हेलो गाइज, वेलकम टू रियल कॉफी। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, जैसे कि यू ऑल नो कि हमारे चैनल पे एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें हम एक एक करके सारी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार्स को कवर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जिस कार को कवर करने जा रहे हैं वो है किया सोनेट। एंड किया सोनेट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप प्लान कर रहे हो इस कार को लेने का तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, बिकॉज बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस कार को प्लान कर रहे हो। तो गाइज, वैसे वी ऑल नो कि जो हुंडई वेन्यू है और किया सोनेट है ना, उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बिकॉज सेम इंजन ये कार ऑफर्स करती है। बट आज की वीडियो में पर्टिकुलर किया सोनेट के बारे में ही बात करेंगे। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किया सोनेट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे फील होता है यूजर को इस कार में मिलता है, वो है इसमें मिलने वाले मल्टीपल इंजन ऑप्शन। ये कार आपको 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ मिलती है, इसमें आपको 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में मिलता है और इसमें आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन भी मिलता है। तो एंड यूजर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके इंजन चूज करने के। अगर आपको अपनी कार एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहिए और आपको चाहिए कि अच्छा पिकअप मिले कार से, टर्बो इंजन की तरफ जाइए। 1 लीटर टर्बो इंजन आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। वहीं बात करें अगर आपको चाहिए अपनी कार से ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क, तो उस केस में आप डीजल इंजन की तरफ जा सकते हो, जो कि आपको एक अच्छी माइलेज भी निकाल के देगा। इसके अलावा अगर इसका 1.2 लीटर आप इंजन ऑप्ट करते हो, तो 1.2 लीटर इंजन इतना ज्यादा इंप्रेसिव मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा अंडर पावर फील होता है आपको। वो अभी फिलहाल अगर आप 1.2 लीटर और भी जितने भी नेचुरल स्पीड इंजन देखोगे ना, वो सब आपको एक जैसे ही लगेंगे। तो 1.2 लीटर नेचुरल स्पीड इंजन आपको अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे, तो वो आपको इतनी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करता। बट हाँ, आपके पास मल्टीपल इंजन ऑप्शन है, इसलिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना इंजन ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। ये एक बेनिफिट पॉइंट है अगर आप किया सोनेट की तरफ जाते हो। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट कहीं ना कहीं जो मुझे फील होता है पर्सनली, वो है इस कार का लुक। डिजाइन वाइज काफी कार बहुत अच्छी है, देखने में कार बहुत अच्छी लगती है। डिजाइन जो है एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, कई लोगों को कुछ पसंद आती है, कई लोगों को कोई डिजाइन पसंद नहीं आता, बट ओवरऑल मेजोरिटी ऑफ लोगों को इसका डिजाइन अच्छा लगता है एंड काफी गुड लुकिंग कार लगती है देखने में। आप इसके बाद इंटीरियर की करो चाहे एक्सटीरियर लुक की बात करो, दोनों ही एंगल से कार बहुत अच्छी है। तो डिजाइन वाइज कार को पूरे पॉइंट्स मिलते हैं एंड मेरे हिसाब से डिजाइन वाइज कई डिजाइन भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट्स में से एक है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं इस कार में, तो वो है इसका जो फील गुड फैक्टर है ना, जो फिट एंड फिनिश है कार की, वो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी फिट एंड फिनिश इस कार में आपको देखने को मिलती है। आपको लगता है कि आपने जो पैसे खर्च किए ना, वो कहीं ना कहीं वर्थ इट है और आपको जो पैसा आप दे रहे हो उसके बदले आपको वो चीजें डिलीवर की जा रही है। फिट एंड फिनिश कार में बहुत अच्छी है। इंटीरियर देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है, प्रीमियम फील कराता है आपको कार में। आपको लगता है कि आपने जो पैसे किए खर्च किए हैं इस कार पे, वो वेस्ट नहीं हुए। तो इंटीरियर वाइज कार बहुत अच्छी है। फिट एंड फिनिश वाले इश्यूज जो आपको और ब्रांड से मिलते हैं, इस ब्रांड में नहीं मिलेंगे। फिट एंड फिनिश के मामले में वैसे भी हुंडई और किया जानी जाती है, फिट एंड फिनिश इनकी कारों की बहुत अच्छी होती है। इस कार में भी आपको बहुत अच्छी फिट एंड फिनिश मिलती है। तो फिट एंड फिनिश भी एक इस कार का पॉजिटिव पॉइंट है। बात करें नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट कार में मिलने वाले फीचर्स से जुड़ा है। इस कार में आपको बहुत सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं, पूरी फीचर लोडेड कार है ये। बहुत सारे फीचर्स आपको इस कार में देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं इसकी बाकी सेगमेंट से इसको एक एज देते हैं, बिकॉज बाकी सेगमेंट में जो भी कारें आ रही है उनसे ज्यादा फीचर्स इस कार में आपको मिलते हैं। तो फीचर्स भी इस कार का काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिनको चाहिए अपनी कार्स में फीचर्स, तो आप डेफिनेटली इस कार को कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे फीचर्स लोडेड ये कार आती है, बहुत सारे फीचर्स इस पे आपको ऑफर किए जाते हैं। बात करें नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, तो जो मुझे फील होता है इस कार में है, वो है इस कार से रिलेटेड इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज कहीं ना कहीं किया का मैं मानता हूँ एक पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज वो कस्टमर जो सर्विस एक्सपीरियंस है जो कस्टमर को मिलता है, वो बहुत अच्छा मिलता है आपको किया ब्रांड की तरफ से। तो आफ्टर सेल सर्विसेज एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कई ब्रांड्स लैग करते हैं। वहीं बात करूं किया की, हुंडई की, मारुति की, ये सब ब्रांड्स आपको एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप अपना आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इस कार की तरफ जा सकते हो, बिकॉज किया में वो आपको आफ्टर सेल सर्विस वाले इशू देखने को नहीं मिलते हैं एंड आपको एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती है। बात करें नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड वो कहीं ना कहीं इस कार की रिलायबिलिटी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं जो काफी लंबे टाइम तक अपनी कार चलाते हैं। जिन लोगों को एक बार कार लेते हैं तो सोचते हैं कि 10-12 साल 15 साल वो अपनी कार एटलीस्ट चलाएंगे। तो उस केस में जो रिलायबिलिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है एंड किया के केस में, सोनेट के केस में वो आपको रिलायबिलिटी मिलती है।
वी ऑल नो कि जो इंजन है वो सेम है जो आपको वेन्यू में मिलता है, तो आप रिलायबिलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं उठता, बिकॉज वी ऑल नो कि Hyundai के इंजन ज़्यादा रिलायबल हैं, रिलायबिलिटी के मामले में अच्छे हैं। उसी तरह से किया सोनेट में भी जो इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है सेम इंजन है जो आपको वेन्यू में मिल रहा है, तो रिलायबिलिटी के केस में भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किया के साथ। काफ़ी रिलायबल इंजन है इसका, जो इसका 1.5 लीटर डीजल मिल रहा है या 1 लीटर टर्बो मिल रहा है, चाहे इसका 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन हो, तीनों इंजन ही काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी के मामले में भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किया सोनेट के साथ, तो रिलायबिलिटी भी कहीं ना कहीं इस कार का एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो गाइज ये तो रहे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट। अब ऐसा नहीं है कि कार में कुछ नेगेटिव नहीं है, कार में कई चीज़ें नेगेटिव भी हैं, तो आप बात करते हैं इन कार की नेगेटिव पॉइंट्स की, कौन कौन सी चीज़ें इस कार में आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी। तो मेरा पर्सनली मानना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मल्टीपल इंजन ऑप्शंस है ना वो कार को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव और बना देते हैं। अगर आप देखोगे तो इसका जो टॉप मॉडल है वो आपको 17 लाख प्लस ऑन रोड मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सब फोर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार के लिए बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड जाती है, इसके जो टॉप पर अपर मॉडल्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगता है इस कार का, बिकॉज मुझे नहीं लगता वर्थ कि आप एक सब फोर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार के लिए 18 लाख 17 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। इसका एन लाइन जो है, जो टॉप मॉडल इसका आता है, वो नियर अबाउट 18 लाख के आसपास पड़ता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। एंड मुझे नहीं लगता कि सब फोर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के लिए आपको 18 लाख खर्च करने की जरूरत है। इसमें आपको इससे अगले नेक्स्ट सेगमेंट की कार मिल जाती है, बड़े सेगमेंट की कार मिल जाती है, तो 18 लाख इस सेगमेंट में खर्च करना कहीं से भी लाइक जस्टिफाई नहीं करता, कहीं से भी एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। बात करें इस कार के नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की, तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि जो रियर सीट कम्फर्ट है उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रियर सीट में इतना कंफर्टेबल नहीं है इसकी, तो रियर सीट में थोड़ा सा और कुशनिंग और बढ़ाई जा सकती थी। तो एक रियर सीट में मुझे लगता है कि थोड़ा कंफर्टेबल इसको और बनाया जा सकता था, तो मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस कार में। इनफैक्ट अगर देखोगे हेडरूम तो इस कार में आपको प्रॉपर मिलता है, बट कैबिन पीछे से रियर से थोड़ा नैरो है, तो अगर आप वो सोचो कि 3 एडल्ट आराम से बैठेंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो रेयर सीट स्पेस थोड़ा सा टाइट फील आता है आपको अगर आप 3 एडल्ट पीछे बैठने की कोशिश कर रहे हो, 2 एडल्ट और एक चाइल्ड इसमें बैठ सकते हो आप पीछे आराम से, अदरवाइज 3 एडल्ट के केस में रेयर सीट में थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, जो मुझे लगता है इस कार का एक नेगेटिव पॉइंट है। बात करें नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की, तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट मुझे जो फील होता है वो है कार की सर्विस कॉस्ट को लेकर। सर्विस कॉस्ट आपको किया के केस में थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी पड़ती है कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड, बिकॉज इसके जो पार्ट्स हैं वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। Hyundai और किया दोनों की बात लेके चले तो इनके जो सर्विस जो पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो सर्विस कॉस्ट के केस में आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव फील होंगे ये। तो ये एक पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो, अगर आप ऐसी कार ढूंढ रहे हो जो लो मेंटेनेंस हो, जिसमें आपको सर्विसिंग में ज़्यादा कॉस्ट ना आए, तो उस केस में किया आपको थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकती है। तो एक सर्विस कॉस्ट है जिसको मैं इसके एक नेगेटिव पॉइंट में रखूंगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये एक ऑलराउंडर कार है, एंड अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हो जो आपको हर एंगल से एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट निकल के आ रही हो, तो आप डेफिनेटली सोनेट को कंसीडर कर सकते हो। एक ऑलराउंडर कार मैं इसको बोलूँगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं, एंड थोड़ा बहुत नेगेटिव तो आपको हर कार में देखने को मिलता है, तो इसमें भी कुछ ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ओवरऑल कार अच्छी है, एंड अगर आप सोच रहे हो इस कार को लेने का, तो आप डेफिनेटली इस कार की तरफ जा सकते हो। गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे पॉइंट्स से जो भी मैंने डिस्कस किया अगर आप एग्री करते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैं मिस कर गया हूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।